तो चलिए आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला वी लुकअप का। जी हाँ, वी लुकअप की जो हमारी क्लासेज है ये आज आज की हमारी क्लासेज है। तो मैं एक दो शीट बना लेता हूँ डेटा शीट, और इस डेटा शीट पे मैं कुछ डेटा लेके आता हूँ। वी लुकअप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि काफी ज्यादा यूज होता है, और इसको लुकअप मेथड के अंदर हम इसको हम लोग बोलते हैं कि लुकअप मेथड के अंदर आता है, राइट सर? तो ये हमारा डेटा आ गया, और कॉपी कर लेता हूँ इसको। चलिए अब जैसे कि सबसे बात जानिए कि वी लुकअप करता है क्या। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, मतलब वो किसी सीट में से जाके किसी यूनिक नंबर के बिहाफ पे उसके डिटेल्स को लुकअप करता है। जैसे कि आप लोग अपने इसमें जाते हैं कॉलेज कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हैं, अपनी रोल नंबर डालते हैं, शो पे क्लिक करते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो क्या करता है कि लाखों स्टूडेंट्स लिस्ट में से आपका एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड देता है। उसी तरह से बैंकर के पास जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, वो अकाउंट नंबर जैसे डाल के शो पे क्लिक करता है, वो लाखों अकाउंट में से आपके अकाउंट की समरी को दे देता है। इसको बोलते हैं लुकअप मेथड। ये हर एप्लीकेशन में होता है, और अगर ये एप्लीकेशन में ना हो तो फिर कंप्यूटर पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लुकअप मेथड तो इम्पोर्टेंट है ही है। जैसे मान लीजिए ना कि अगर मेरे पास एक डेटा है जिसमें 1500-1600 रिकॉर्ड्स हैं, अब मुझे इसमें से कुछ रिकॉर्ड्स की डिटेल चाहिए जिसकी यूनिक आईडी हमें भेजा गया है। अगर हम वी लुकअप इस्तेमाल ना करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एफ करना पड़ेगा, और इसको डेटा को सेलेक्ट करके फिर कॉपी करके फिर इसके ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार एक दो डेटा आपके पास है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन आपके पास अगर डेटा ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गया? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसी काम को हम लोग वी लुकअप से करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल वी लुकअप लगाइए। सबसे पहला सिंटेक्स आता है लुकअप वैल्यू, मैंने किसको लुकअप करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 56 को सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है टेबल एरे, फिर हमने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, जो हमारा डेटा है उसको सेलेक्ट कर लिया, एंड फिर कॉमा। अब इसमें मुझे बताना होता है कि इसमें से कौन चाहिए आपको। तो मुझे इसमें से, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने 5 को फाइंड किया, तो 5 के रिकॉर्ड यहाँ पे 10-12 रिकॉर्ड्स हैं। तो वी लुकअप कहता है कि हम एक सेल में एक ही रिकॉर्ड को शो करेंगे, 10-12 रिकॉर्ड को हम शो नहीं करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा रिकॉर्ड है। तो मैंने यहाँ पे दिया कि मुझे दूसरा क्वार्टर, तो दूसरा रिकॉर्ड चाहिए, मुझे दूसरा कॉलम चाहिए, यहाँ पे पहला एंड दूसरा एंड कॉमा हमने 0 कर दिया, मतलब कि एग्जैक्ट मैच। क्योंकि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे ट्रू मतलब कि मिलता जुलता मैच के लिए, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रू के 0 के जगह पे हम फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक्सेल में 0 इक्वल टू फॉल्स और 1 इक्वल टू ट्रू होता है, तो यहाँ पे 0-1 भी लिख सकते हैं या फिर 0 ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं एक बार और वी लुकअप लगा रहा हूँ कि वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया, इस बार मुझे जोन चाहिए। अब ध्यान रखिएगा किसी और के डेटाबेस में आप जाते हैं, आपने यहाँ पे 56 सेलेक्ट किया और डेटाबेस में आप गए, तो आप स्टार्टिंग आईडी से ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको आईडी के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए। तो पहला कॉलन आपका आईडी होना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट चलता है, इसलिए पहला कॉलन आपका आईडी होना चाहिए। फिर मुझे इसका कॉलम नंबर चाहिए जोन, तो मतलब कि 1, 2, 3, मतलब कि मुझे यहाँ पे 3 कॉलम डालने होंगे, और यहाँ पे 0 या फिर
फॉल्स डाल दीजिए, आपका रिकॉर्ड आ गया, तो इस बार मुझे जोन आ गया। फिर डेट के लिए भी उसी तरह से मैं करूंगा, वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गया और हमने रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, कॉमा, अब यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 चौथा नंबर हमारा है, तो हमने चौथा नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो डेट आ गया। सिटी, तो वापस हमने वी लुकअप लगाया और हमने 56 को सिलेक्ट किया, डेटा पे गए और हमने सिलेक्ट किया इस डेटा को, अब देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे मुझे 5 देना पड़ेगा, सॉरी कॉमा 5 देना पड़ेगा एंड कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। फिर वापस हम यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा में जाते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इस बार चाहिए सेल्स मैनेजर, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमने 5 दिया एंड कॉमा 0 कर दिया, तो 5 आ गया। तो इसी तरह से आगे भी हम करते जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पूरा में इस तरह से करना, पूरा में हमें करना पड़ेगा, तो कैसे करें, मैंने एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, डेट में जाऊंगा और हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कॉमा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जनरली 2 दे दिया है, कॉमा 0 कर दी, 2.0 करके एंटर कर दिया। अब मुझे आगे ड्रैग करने से पहले थोड़ा सा फ्रीजिंग वगैरह करना पड़ेगा यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे डॉलर लगा दिया, फिर इसको हमने F4 किया और फिर आगे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब मुझे सिर्फ कॉलम, मैंने कि बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ अपना कॉलम नंबर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं जैसे कि यहाँ पे जाऊंगा और 2 के जगह पे यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि इस तरह से 3, 4 करने में तो टाइम लगेगा काफी, तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि ऊपर कॉलम में हम यहाँ पे एक नंबर इसे लिख देते हैं और लिख के इसको ड्रैग कर देते हैं और फिर हम यहाँ जो लगाएंगे फॉर्मूला उसमें जहाँ 2 मैनुअल लिखा है हमने उस पर इसको सिलेक्ट कर देंगे और फिर हम इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो हमारा इजीली हो जाएगा। या फिर याद होगा आपको कि मैंने लास्ट क्लासेज जब पढ़ाया था तो उसमें हमने वी लुकअप में कॉलम का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो कॉलम के फॉर्मूले में बताया था कि जिस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा उसका कॉलम नंबर आ जाएगा, तो कॉलम नंबर 2 आ गया और मुझे इसमें भी तो 2 ही देना था, तो क्यों ना मैं वी लुकअप लगाऊं, लुकअप वैल्यू, और हमने अपने डेटा में गया और अपने टेबल को सिलेक्ट किया आईडी से कॉमा और यहाँ पे मैं कॉलम का फॉर्मूला लगा के और अपने कॉलम को सिलेक्ट करके कॉमा करता हूँ, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर। फिर यहाँ पे ड्रैग करने से पहले मैं फ्रीजिंग पॉइंट अपनाऊंगा, मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 से और इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है और फिर हम इसके तरफ आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं, रिकॉर्ड आ गया। लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा स्टार्टिंग से होना चाहिए कॉलम यूज करने के लिए, पहला रूल, और दूसरा रूल कि आपका जो हेडिंग है
वो हेडिंग का सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हेडिंग का सीक्वेंस सेम नहीं है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो उस केस में हम कर सकते हैं वी लुकअप, इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा में जाएंगे एंड कॉमा। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पे सारा लिख देंगे, वन यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी कॉमा देना पड़ेगा, सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, कॉमा जीरो कर दिया। लेकिन ये नॉर्मल एंटर मारने से नहीं होगा, आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। मतलब होता क्या है कि आप यहाँ पे जैसे कि मैं लिख दू वन टू थ्री एंड फोर, ऐसे अलग अलग सेल पे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इकट्ठे सारे सेल को सिलेक्ट कर लूं और फिर लिखूं कर्ली ब्रैकेट में वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एंड कर्ली ब्रैकेट को मैं क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, तो फिर वो सेम सीक्वेंस दे रहा है। तो यही काम यहाँ भी हो रहा है। मतलब कि आपसे बोला जाए कि आपको एक ही वी लुकअप से पूरा का पूरा डेटा लाना है, एक ही बार वी लुकअप लगाना है और आपको पूरा का पूरा डेटा लेके आना है, तो आप उस जहां तक आपको वी लुकअप लगाना है उस एरिए को आप सिलेक्ट कर ले, वी लुकअप अप्लाई करें, वी लुकअप लुकअप वैल्यू इसको सिलेक्ट किया और हमने डेटा में गए और डेटा को सिलेक्ट किया, फिर जो कॉलम नंबर है उसको हम यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन एंड कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एक ही बार में हो गया। इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एरर फॉर्मेट में है, एरर फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सर? कोई डाउट किसी को? जी सर। ओके, आगे बढ़े हम। सर हाँ बोलिए। ये तो अपन लाइक यूनिक आईडी को सर्च करें, अगर वही वी लुकअप थोड़ा लेंदी है तो कैसे बताएंगे? हम बताएंगे, पहले सिंपल तो सीख लें। ओके ठीक है ना। अब कभी कभी क्या है कि मेरे पास जो मेरा आईडी जो है, मेरा जो हेडिंग है, ये हेडिंग सीक्वेंस नहीं है, कभी कभी चेंज होते रहता है, समझ गए? अब जैसे यहाँ पे इस तरह से मुझे इतना ही चाहिए, कल के डेट में कुछ और चाहिए होगा, तो क्या होता है मुझे बार बार यहाँ पे वी लुकअप लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अभी मैंने वी लुकअप लगाया जोन पे, राइट, मैंने यहाँ पे दिया वी लुकअप और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और हमने डेटा में गए और डेटा में हमने इसको सिलेक्ट करके जोन के लिए हमने थ्री दे दिया, कॉमा थ्री कॉमा जीरो, जोन आ गया। अब कल के डेट में क्या हुआ कि नहीं, यहाँ पे जोन नहीं होगा, यहाँ पे आपका कैटेगरी होगा,
तो फिर मुझे क्या होता है, फिर दोबारा वी लुकअप में जाके चेंज करना पड़ेगा, कैटेगरी का देना पड़ेगा क्या? यह एवरी टाइम होते रहता है हर सेल के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरा हेडिंग से डेटा कनेक्टेड हो जाए, कि जो हेडिंग जिस जो भी अपने डेटा के हेडिंग में यहाँ डालो उसी के अकॉर्डिंग वो ढूंढ के हमें रिकॉर्ड दे दे। तो याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको एक मैच का फॉर्मूला बताया था। मैच का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चलता है, याद रखिएगा। तो किसी डेटा को ए हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ढूंढता है और बताता है कि इसका कॉलम नंबर या रो नंबर क्या है। तो इसने कैटेगरी को ढूंढा इस रो में और बताया कि इसका जो कॉलम नंबर वो 8 है, और वी लुकअप को भी तो 8 ही चाहिए, तो क्यों ना मैं मैच को यहाँ पे लिंक कर दूं। तो अब मैं यहाँ पे कैटेगरी रखूं या जोन रखूं, जैसे जोन रखा चेंज किया, ये ऑटोमेटिकली हमारा चेंज हो गया। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को किसी रो एंड कॉलम में सर्च करता है और जहां उसको मिलता है उसका रिकॉर्ड देता है, जैसे कि इसने यहाँ पे रिकॉर्ड दिया साउथ। अब मैं इसको मर्ज करना चाहूं तो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड अपनाऊंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और जहां पे हमारा B14 है उसके जगह पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको आगे ड्रैग करने से पहले फ्रीज करूंगा, जैसे ए को फ्रीज करूंगा ताकि ए बी ना बने। फिर हमारा डेटा है इसको फ्रीज करूंगा F4 से। फिर मैच, अब मैच में मुझे बी को नहीं 15 को फ्रीज करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं आगे ड्रैग करूं तो बी सी हो जाए ताकि सिटी ले ले। फिर 1/1 को फ्रीज करूं ताकि नीचे ड्रैग करूं तो 1/2 ना बने। और फिर इसको सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो ये थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन इसमें आपका हेडिंग की स्पेलिंग और आपके डेटा के हेडिंग की स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अगर कुछ थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो मैच नहीं करेगा और आपको यहाँ पे एरर देगा। क्लियर है सर? लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने सिटी के यहाँ पे जोन के जगह पे डेट दे दिया हुआ है तो डेट नंबर फॉर्मेट में आया, समझ गए? या फिर मैंने अगर क्वांटिटी के जगह पे डेट दे दिया तो डेट फॉर्मेट में आएगा। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको डेट फॉर्मेट कर दिया आपके सिस्टम से, कल के डेट में क्वांटिटी हुआ तो क्या होगा? वो तो फिर ये डेट ही दिखाएगा ना, फिर वापस आपका नंबर फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है, इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। इसके न्यू रूल्स पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला पे, और यहाँ पे हम देंगे इक्वल, अगर ए इक्वल टू डेट हुआ तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, और हम फॉर्मेट में आने के बाद हम यहाँ नंबर फॉर्मेट पे आएंगे, डेट पे आएंगे और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे जो डेट हमें वहां शो करनी है उस डेट को, एंड ओके। अब क्वांटिटी की जगह पे ये डेट हो गया, तो डेट हो गया, डेट फॉर्मेट में आ गया। वापस मैं यहाँ पे क्वांटिटी कर दिया तो फिर वापस नंबर आ गया। ठीक है सर? कोई डाउट सर? तो सर पूरे सेल में लगाना होगा ना कंडीशनल तब? हाँ, कुछ कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। जब नहीं, पूरे सेल में, पूरे जिसमें आपका डेटा होगा ना उसमें लगाएंगे ना आप, जिसमें डेट का डेटा होगा। बाकी डेटा पे क्यों लगाना है? पूरे पे लगाना है, पूरे पे लगा दीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, राइट? तो वी लुकअप का हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और कल की क्लास में हम वी लुकअप की और भी चीज, अभी आपकी 5-6 क्लासेज जो है वी लुकअप से चलेगी, सिर्फ आप बने रहिए। कंप्लीट वी लुकअप करने के लिए 5-6 क्लास तो चलेगा, फिर एक प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे। ठीक है सर? जी सर। तो ये फाइल में आप लोगों को भेज देता हूँ, कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। ठीक है, तो मिलते हैं।
अगली क्लास में।